नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में फर्जीवाड़ा। जी हां, बिना कोचिंग दिए उठाया 90 लाख का अनुदान। कोचिंग योजना से जुड़ी हुई आज की बिग अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर की और विभागीय आदेश, इन सब की ऑथेंटिक और सबसे पहले फास्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हुई जुड़ी आज की बिग अपडेट। बिना कोचिंग दिए हुए 90 लाख का जो है अनुदान इस योजना के तहत उठाया गया है। जानते हैं इसकी पूरी अपडेट वीडियो में, बने रहे वीडियो के अंत तक। या दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, बांसवाड़ा से यह खबर है, बड़ी अपडेट आपको इसके तहत बताने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बांसवाड़ा अनुप्रति कोचिंग योजना अनुदान में फर्जीवाड़ा। बिना कोचिंग 342 स्टूडेंट्स के नाम से 90 लाख का अनुदान। जी हाँ, क्या है ये मामला, जानते पूरी अपडेट वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में बांसवाड़ा में 90 लाख का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ शहर में संचालित एक कोचिंग संस्था के संचालकों ने बिना कोचिंग दिए 342 विद्यार्थियों के नाम से 90 लाख रुपये का अनुदान उठा लिया। मामला सामने आने पर कलेक्टर ने इसकी जांच कराई, लेकिन तब तक कोचिंग सेंटर को सत्र 2021-22 के लिए करीब 90 लाख का भुगतान किया जा चुका था। बहुत बड़ी अपडेट है, देख सकते हैं दोस्तों। जानते हैं पूरी अपडेट आगे इसकी। हालांकि प्रशासन ने पुष्टि के बाद शेष 40% अनुदान रोक दिया है। जी हां, जो राज्य सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता है वह 40% इसके तहत रोक दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कोचिंग सेंटर संचालकों पर कार्रवाई की बजाय अगले सत्र 22-23 के लिए भी इसी एकेडमी को फिर से योजना में शामिल कर लिया। ये देख सकते हैं आप जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, और राजस्थान सरकार की ये जो आगे की कार्रवाई है वो भी आप देख सकते हैं इसमें। जानते हैं पूरी अपडेट है। दरअसल लाखों का अनुदान लेने के लिए कोचिंग सेंटर में 342 स्टूडेंट को प्रशिक्षण देना बताया, जिस पर सेंटर को 1,57,00,000 का अनुदान मिलना था। सेंटर में फर्जीवाड़े इस कदर है कि जितने विद्यार्थियों को कोचिंग देना बताया उतनी तो बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। ये देख सकते हैं आप सच्चाई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की, जो कोचिंग संस्थान है उनसे संबंधित। और जानते हैं पूरी अपडेट है। जी हाँ, यहां पर देख सकते हैं आप नीट में सबसे ज्यादा अनुदान, सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी इसी में बताए। योजना में नीट स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा 55,000 का अनुदान मिलता है, इसलिए कोचिंग संचालकों ने नीट में ही सबसे ज्यादा 239 स्टूडेंट का दाखिला बताया है। इसमें 100 स्टूडेंट्स 11वीं और 164 स्टूडेंट 12वीं के बताए। ये सभी स्टूडेंट कुशलगढ़, सज्जनगढ़, बागीदोरा में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्कूल की नियमित पढ़ाई छोड़कर ये स्टूडेंट 70 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में कोचिंग क्यों करेंगे। ये देख सकते हैं आप बड़ी अपडेट इसकी। और जानते हैं इस कोचिंग सेंटर की 2 बार जांच हो चुकी है, 1 बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से की गई, देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर भी इसकी जांच हुई है, लेकिन मौके पर कोई स्टूडेंट नहीं मिले, केवल संस्था के 4-5 सदस्य ही इसके तहत मिले हैं। यह आप देख सकते हैं। हिमांगी निनामा सहायक निदेशक जो समाज कल्याण विभाग है, उन्होंने इस हेतु क्या कहा है, पहले जांच हुई थी उसी के आधार पर 40% भुगतान रोक दिया है, अभी जांच का प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइल आगे भेजी नहीं है, अटेंडेंस के आधार पर, जी हाँ उपस्थिति के आधार पर भुगतान होगा। सेंटर वाले कह रहे हैं कि अभी बच्चे पूरे हैं, तो ये उन्होंने कहा है सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग की ओर से। तो ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राज्य सरकार की ओर से जो चलाई गई है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने निकल करके आया है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और
शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।